पापा, तेरे इस प्यार में बटरिंग की बू आ रही है। आपसे शादी की बात करनी है। शादी? हाँ। अरे पूरे भारत देश में कोई ऐसा बाप नहीं होगा जो तुझे अपनी बेटी देगा। तू चाइना शिफ्ट हो जा, कोई सस्ती वाली चाइनीज कॉपी मिल जाएगी। पापा, ट्विटर पर फॉरेनर फॉलो करते मुझे। और एक इंडियन लड़की मुझ पे लट्टू है। हे भगवान, जरूर वो अंधी होगी या पागल जो तुझसे प्यार करती है। देखिए, आपको मेरे साथ चल के उसके पापा से बात करनी है। अरे अकल के दुश्मन, अगर लड़की के बाप ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा बेटा करता क्या है, कमाता कितना है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे तुझे ऑनलाइन में सेल लगा कर बेचूं, अमिताभ से तेरा ऐड करवाऊं, तो भी तुझे खरीदने वाला कोई नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी लड़की की लाइफ खराब नहीं होने दूंगा। पहले अपने दम पर एक कांस्टेबल की नौकरी तो कर ले, फिर शादी के लिए छोकरी मैं ले आऊंगा। पापा क्या है? चलो चैलेंज, बारात लेके जाऊंगा, घोड़ी पे बैठ के धूमधाम से शादी करूंगा, पूरे शहर को शादी में इनवाइट करूंगा सिवाय आपके। तथास्तु। ये किसका घर है? एकदम झकास है। आज मेरे साले का है, कल मेरा होगा। यहाँ मेरा क्या काम है? देख यार, तू मेरा दोस्त ही नहीं है, तू मेरे लिए भाई से बढ़ के। तेरा आशीर्वाद चाहिए। बोल देगा ना? तेरे लिए जान हाजिर है, उतर। ये क्या? मेरा साला तेरे ससुर के डोरमैट पे क्या कर रहा है? वो हमारा जानी दुश्मन है, उसके खानदान तक को खत्म कर देंगे भैया। भाई आपकी बहन का हाथ मांगने आया है। बहन से इस नमूने के बारे में जान चुका हूँ, मेरी बहन पर बुरी नजर उठाने वाला दुनिया से उठ जाता है। इसीलिए तो चश्मा पहन के आया हूँ सर। दूल्हा मैं हूँ। तेरी कोई फैमिली है कि नहीं? आपको क्या पसंद है सर, फैमिली वाला या अनाथ? अनाथ का अचार डालेंगे, एक अच्छा खानदान चाहिए। अच्छा क्या, एक्स्ट्रा लार्ज अच्छा खानदान है। फैमिली ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलने वाला था, पर पड़ोस की शाह फैमिली जीत गई। प्रॉपर्टी वॉपर्टी है कि नहीं? शक्ल से क्या लगता है सर? देखने में तो करोड़पति लगता है। तेरा बाप 15 सालों से कोट नहीं खरीद पाया, तेरी शादी की फिल्म रिलीज से पहले फ्लॉप है। शॉपिंग के लिए आप चाइना मार्केट जाते होंगे, हम डायरेक्ट चाइना जाते हैं। सबूत देख लीजिए, चाइना का फोन, हमारे पास दुनिया की हर करेंसी है। अगर तेरे बंगलों में 2 मंजिल है तो नहीं चलेगा, 3 मंजिल तो कम से कम चाहिए। ये खिसका हुआ लगता है, 2 उंगली दिखा के 3 बोल रहा है। उंगली छोड़ औकात देख, तेरे बाप के सरकारी क्वार्टर में 2 कमरे भी नहीं है, तेरी लव स्टोरी तो पिट गई। हमारा बंगला 5 माले का है, 5। मेरी बहन कॉलेज मर्सिडीज से जाती है, ऑडी से वापस आती है। 10 किक में स्टार्ट होने वाली खटारा बाइक है तेरे पास, तेरे प्यार का तो अंतिम संस्कार हो गया। अब से वो जाएगी फरारी में और वापस आएगी रोल्स रॉयस में। अरे रईसी का सवाल है। क्या बात है सुप्रिया, सुना तुमने, मुझसे कितनी लकी है। तेरे बाप का नाम क्या है? नारायण, नामचीन करोड़पति वकील। ठीक है, कल तेरे बाप से मिलने आऊंगा। नीचे गिर के नहीं मरा तो मैं मार दूंगा। नीचे बस क्या, छोटा भाई हूँ, एक छोटा सा झूठ बोल दिया तो मार देगा? छोटा सा झूठ बोला, मेरे पापा को अपना पापा बोला, वो सुनेंगे तो कितना दुख होगा। पापा पापा होता है, तेरा मेरा नहीं होता। जी तुम, अबे माँ की बात अलग होती है लेकिन बाप सबका एक ही होता है। तू मदद करेगा या नहीं, जवाब दे। ए, ये कभी नहीं हो सकता। तो कूद जाऊंगा यहाँ से। हाँ तो कूद जा। लड़के को लड़की के लिए जान देते तो कई बार देखा है, लेकिन लड़का लड़के के लिए जान दे रहा है ये पहली बार देख रहा हूँ। आपने टाइम पे मुझे यूज कर लिया, अब हाँ नहीं बोल रहा। ए, यूज तो तूने मुझे किया है, मेरे बाप से लेकर पूरी फैमिली का नाम यूज कर लिया। इन दोनों के बीच जरूर वैसे वाला रिश्ता है, इसके लिए जान दे रहा है। मान जा। नहीं मानूंगा। अबे अपनी वाइफ के लिए दूसरा पति कहाँ से लाएगा? सुनो भाई, तुम दोनों की बीवी भी एक ही है, ये कैसे हुआ? क्या चाहता है तू मुझसे? अपने बाप को बोल वो मेरा बाप भी बन जाए। कुछ कहना है कहना है, कह के बुलाया फिर मुंह फेर के खड़ा हो गया। मुझे प्यार हो गया है। जरूर वो ऊपर वाली होगी। गलत है बिल्कुल। चाहे समाज को ऐसे रिश्ते से एतराज ना हो, लेकिन मैं हाँ नहीं कहूंगा। ये वो लड़की नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मुझे पता है लड़की कौन है। यहाँ जो इतना शर्मा रही है, हमारे छोटे नवाब ने मोटी जरीना को पसंद किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए साहब जी। मुझे आशीर्वाद दीजिए दीदी। तू तो नहाओ, आप जाओ। आप भी। हाँ, सदा सुहागन रहो। तुम इससे शादी करोगे ये नहीं पता था। अरे एक बात बताओ, तुम इसका भार कैसे उठाओगे बेटा? मैं जिम ज्वाइन कर लूंगी जी। बाप रे, बकवास बंद करो, मैं जरीना की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सुप्रिया है। ये कौन है और इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? उसके माँ बाप नहीं है पापा, लेकिन भैया और भाभी है। भाई क्या करता है,
जमीन के कब्जों की सेटलमेंट करवाता है। शाबाश बेटा, ऐसे बताया जैसे आलोकनाथ का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ऐसे गुंडे बदमाशों के साथ मेरा रोज बरोज कोर्ट में पाला पड़ता रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि दो चार बचे कुछ केस हमें दे दे। पॉइंट में तो दम है, हरगिज हाँ नहीं करूंगा। मान जाइए वरना अपने तरीके से हैंडल करेगा। क्या कर लेगा वो, क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर। क्या इधर? अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर उन लोगों को चाय पर बुला ले। बरसात के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना की तो पूरे गांव में एक साथ बाढ़ आ गई। छोटी सी प्रॉब्लम में तेरी हेल्प मांगी थी, तूने उससे बड़े झमेले में फंसा दिया। तेरी गर्लफ्रेंड के भाई को पता चला कि मेरा बाप तेरा बाप नहीं है, या मेरे पापा को पता चला कि सुप्रिया असल में तेरी गर्लफ्रेंड है, तो शादी दूर, जिंदा रहने की गारंटी नहीं, मार डालेंगे। टेंशन अभी नहीं, ठंडे दिमाग से लेंगे, अभी शादी पे फोकस करते हैं। चलो देखते हैं। आइए, नमस्ते। वेलकम वेलकम, ये मेरा घर है, मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। ये कोई ताजमहल है क्या जो टूरिस्ट गाइड की तरह एक एक बात बता रहा है? अंदर मेरे पापा, मतलब इसके पापा हैं, वो बहुत गुस्से में है। वो गुंडा किस्म का लड़का आया क्या? पता नहीं। आइए आइए। एक बात बता, ये शादी की बात करने आए हैं कि मर्डर करने की? अभी शादी की बात करेंगे, बाद में मर्डर भी करेंगे। ओ पापा जी नारायण, बड़े भाई रवि कुमार, अभी माँ, उनके फूल जैसे बच्चे चिंटी बंटी, वन बिग फैमिली। चक्कर क्या है, ये बेगानी शादी में अश्विन क्यों दीवाना हो रहा है? करने दीजिए ना, अपनी तारीफ ही तो कर रहा है। सही है ना? हाँ। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ बैठिए। बड़े भाई, मकान सॉलिड बना है, चका चक। भाई, ये मुझे भाई क्यों बोल रहा है? अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज है। उम्र के हिसाब से बहू ज्यादा बड़ी नहीं है। बहू? मैं बहू नहीं हूँ, बहू तो सुप्रिया है। एक बात कहूँ, पेज थ्री की मॉडल लगती है। पेज वन टू कोई पढ़ता ही नहीं है, पेज थ्री बनना पड़ता है। ये बात तुम कैसे जानते हो? तुम पेज फोर के हो क्या? सुप्रिया वहाँ उसके पास बैठो। बेटे के बगल में बैठने के बजाय बीच में ही बैठ गई। जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों कितने क्यूट हैं। क्यों भाई, नल्ले को कोई काम नहीं? कोई काम तो होगा ना बाहर। दो ब्रेड के बीच में चीज, बिस्किट के बीच में क्रीम, दोस्तों के बीच में बियॉन्से। सच कहूँ, हमारा बेटा तो हमें पसंद ही नहीं, फिर तुम्हें कहाँ से अच्छा लग गया? हाइट से मार खा गया, पर दिल का नेक है तो प्यार हो गया। इसे क्या, लंबो की हाइट कम लग रही है? कम हाइट का मतलब छोटी सोच होगी। हाँ ये हो सकता है। ओए, डिमांड क्या है, कितना लोगे? दहेज लेना और देना कानूनी जुर्म है। सुनो जी, फैमिली कितनी अच्छी है। सुप्रिया तुम बच गई, मुझसे बहुत लकी हो, है ना जी? शादी की तारीख निकलवाएं? अति उत्तम, पंडित से मुहूर्त निकलवाते हैं। पंडित किस लिए चाहिए, अभी कर लेते हैं। ए, इन दोनों को अंगूठी दे दो। अंगूठी? ठीक है भाई। सगाई की रस्म होगी, फोटोग्राफर को भी बुलवाया जाएगा, रिवाजों के हिसाब से सगाई की जाएगी, शादी का कार्ड बनाए जाएंगे, हॉल बुक करेंगे, पंडित आके मंत्र पढ़ेंगे, तब जाके शादी होगी, और कल इसकी शुरुआत होगी फोटो सेशन से। और मेरी फोटो पे तो हार चढ़ने वाला है, कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ, इतनी अर्जेंसी में क्यों बुला? पापा को 5 करोड़ दहेज में चाहिए। लेकिन उन्होंने तो कल ही मना किया। नींद में ही लालची हो गए। अब क्या करें? सिंपल सी बात है, कोर्ट मैरिज करेंगे, एक मंगलसूत्र, 2 मालाएं, 3-4 गवाह, 5 मिनट में काम खत्म, हो गई शादी। ये करना ठीक होगा? एक बार रजिस्ट्रार ऑफिस चलो तो सही, पापा सीधा लाइन पे आ जाएंगे, अरे मेरी गारंटी है। एक्चुअली यू नो, मैं हमेशा से छुप के शादी करना चाहती थी। पहले क्यों नहीं बताया, चलो भागे। रजिस्टर में दोनों साइन करो। अब माला एक्सचेंज करो। एक्सचेंज मतलब पहनाओ।
घर चले? तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। अलग रहने के लिए एक दूसरे से शादी की है क्या? अच्छा, घर जाने की बजाय होटल रूम चलते हैं। पहले घर पहुँचो, बाकी का प्रोग्राम बाद में। दिखता नहीं है क्या? अरे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती तो? पापा आप? सुप्रिया तुम अपनी बहू से ही टकरा गया। तुम शादीशुदा हो? पापा छी छी, पापा मत कहो मुझे। अंकल वंकल कुछ नहीं हूँ। पहले से शादीशुदा हो तुम, जरूर तुम कोई फ्रॉड और एक लुटेरी दुल्हन हो। पहले किसी से नकली शादी करती हो, फिर नशीली चीज खिला के उसको लूट लेती हो। लुटेरी दुल्हन बोला तो भाई से बोल के आपका घर लुटवा दूंगी। मेरी शादी तो आप ही के बेटे से हुई है। मेरे बेटे से? हाँ, वो आज सुबह ही कोर्ट में शादी हुई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। इंसाफ न मिला तो गांव की पंचायत में जाऊंगा। मैं शादी के लिए राजी था तो बिना नोटिस रजिस्टर मैरिज क्यों की? इसे सीढ़ी वाली बात का पता तो नहीं चल गया? चुप्पे, कुछ बोला तो कुत्ते की तरह काट खाऊंगा। दहेज के लिए 5 करोड़ क्यों मांगे? मैंने केस हारने पर क्लाइंट ने भी कभी इतनी बेइज्जती नहीं की। अपना इल्जाम साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत है? ए काला कोर्ट, अपनी ये वकालत कोर्ट में जाके झाड़ना। यहाँ वकील भी मैं हूँ और सजा देने वाला जज भी। सब आप ही कर लेंगे तो कोर्ट में क्या जज और वकील झक मारेंगे? ये केस तो होकर ही रहेगा। चलो अपील फाइल करते हैं। अबे मुर्दे को केस करते हुए देखा है कभी? बिना धमकी बात नहीं कर सकता, हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। अब ही दिखाता हूँ तुझे। शांति से काम लो। कूल कूल पापा, फोटोग्राफर को बुलवाना, कार्ड छपवाना, रिश्तेदार को बुलवाना, पंडित को बुलवाना, इतना तामझाम क्यों? इन लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो झगड़ा किस बात का? हा? जब समधी बन ही गए तो क्यों इस तरह लड़ना झगड़ना? क्यों ना आगे के फंक्शंस रखें? इंटेलिजेंट सजेशन, ऐसा ही होगा। या दैट्स ऑल। क्यों बेटा अर्जुन, क्यों किया ऐसा? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, इतने खेल तो है ना, फिर लाइफ के साथ क्यों खेल रहा है बेटा? इतने दुखी क्यों है पापा? मुहूर्त निकलवाते, फोटो खिंचवाते, वेडिंग कार्ड छपवाते, रिश्तेदारों को बुलवाते, तुम्हारी ग्रैंड मैरिज के लिए ग्रैंड 5-स्टार होटल बुक करवाते, ऐसा क्यों किया बेटा? किसी अनाथ की तरह रजिस्टर्ड मैरिज का रास्ता क्यों चुना? ये आपको किसने बताया? और कौन बताएगा, मेरी बहू ने बताया। मतलब आपने बहू को फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया? उसके भाई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मुझे भी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये चुपके से शादी करके क्या फायदा? फ्री के गिफ्ट्स का नुकसान हो गया ना। ये छोटी सोच वाला आदमी उन बेकार की गिफ्ट्स की चिंता करता है। कथा कहीं का, एक लड़की के चक्कर में इतने लफड़े करने के बाद भी बेशरम ऊपर ही ताके जा रहा है। क्या लफड़े किए? तेरी शादी शास्त्रों के हिसाब से नहीं हुई, ठीक है ना, इसलिए अपने समाज की रस्मों के हिसाब से सुहागरात का प्रबंध किया है। फिर से सुहागरात? वो तो हो चुकी है। हो चुकी है।